नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे, ना मेरा ना तेरा, ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। आप सभी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज के ही दिन हम आज़ाद हुए थे। इसलिए उन प्रत्येक शूरवीरों को हमारा शत शत नमन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की परवाह की और हमारे देश को आज़ाद कराया, हमें आज़ादी दिलाई। पर क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या वाकई हमारा देश आज़ाद है? इतिहास के पन्ने को पलटकर देखिए, जब हमारा भारत देश उन अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था, पर आज भी हमारे देश में खून खराबा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ऐसे काम होते हैं। तो क्या आप अब भी आज़ादी कहोगे? क्या आप इसे आज़ादी कहोगे? सत्य को जानिए, तभी सत्य आपको स्वतंत्रता दिलाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा नाम मेरा है। मुझे तो बस इतनी सी बात का गौरव है कि मैं भारत देश की हूँ और भारत देश मेरा है। जो जीते हैं देश के लिए, वे देश के लिए लहू बहाते हैं, माँ भारती के चरणों के आगे अपना शीश झुकाकर अपने देश की लाज बचाते हैं। परवाह नहीं करते वे अपनी जान की कभी, हंसते हंसते अपने देश के लिए वे अपना जान लुटाते हैं। ऐसी भारतीय सेना को हमारा शत शत नमन। आज जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर उन प्रत्येक शूरवीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, तो आज के दिन हम अपने वीर सैनिकों को कैसे भूल सकते हैं? वो वीर सैनिक जो दिन रात ठंड गर्मी की परवाह किए बिना सरहदों पर खड़े होकर सारी कठिनाइयों का सामना करके हमारे देश को सुरक्षित रख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन आतंकवादी शक्तियों से हमारे देश को बचा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। ऐसी भारतीय सेना को हमारा शत शत नमन। एक छोटी सी कविता मैं अपने भारतीय सेना के लिए बोलना चाहती कि आज न सुनना चाहता हूँ मैं परियों की कहानी, आज न सुनना चाहता हूँ मैं परियों की कहानी, आज मत कहना माँ था एक राजा और एक रानी। वीर राणा की शिव की शक्ति तुम मुझ में जगा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। जो उठाए भूल कर भी आग मेरे वीरों के प्रसू पर, जो उठाए भूल कर भी पैर मेरे मातृभूमि पर, मैं उड़ा दूँ शीश उसका यह मुझे कौशल सिखा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। हमारी भारतीय सेना जिनका नाम ही काफ़ी है हमारे देश का शीश गर्व से ऊँचा करने के लिए, तो आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने देश को आज़ाद कराएं। जय हिंद, जय भारत।